ताकि वो उनके वालिद वालदा को जो दुआ जहरा। और अहमर, क्या ये मालूम हो पाया कि ये लड़की जिस दिन लापता हुई उसी दिन इसने कराची से पंजाब ट्रेवल किया या कुछ दिन कराची रहने के बाद ये पंजाब गई? आज देखिए, अभी ये डिटेल सामने नहीं आई है। 16 अप्रैल को तकरीबन रात 4 बजे के करीब की एक सीसीटीवी फुटेज आई थी जिसमें पुलिस का ये दावा था कि दुआ जहरा जो है वो एक लोडिंग गाड़ी में सवार होकर जाती हुई देखी जा सकती है। पुलिस का भी कई दिन तक तो पुलिस कराची में ही और उसके बाद इंटीरियर सिंध में सागर में दुआ की तलाश में जो है वो छापे मारे गए, लेकिन अभी ये वाजे नहीं है कि इसने उसी रात जो है वो ट्रेवलिंग की है या कब ट्रेवलिंग की है। जहीर नामी शख्स जो है वो बताया जाता है लाहौर का रिहायशी है जिससे इन्होंने जो है वो निकाह किया है दुआ जहरा ने। अभी मजीद डिटेल्स आना बाकी है, ये भी बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से क्योंकि इंटरनेट की दोस्ती है। अच्छा। जिसके बाद दुआ जो है वो यहाँ से ट्रेवल करके लाहौर गई है, लेकिन अभी तक कुछ डिटेल्स आना जो है वो इस तरह की बाकी है कि कितने टाइम वो कराची में ही रुकी है और उसके बाद यहाँ से पंजाब की जानिब रवाना हुई है। और अहमर, इन सारे दिनों में जब पुलिस तफ्तीश कर रही थी तो दुआ के जो आसपास के लोग हैं, जो दोस्त हैं, उनसे भी तफ्तीश हुई होगी, तो दुआ के बारे में उन दोस्तों ने कुछ बताया कि वो किसी से राबते में थी, किसी के साथ जाने का इरादा बना रही थी, ऐसी कुछ चीज़ें पुलिस को मालूम हुई थी क्या? आज देखिए, हमारी पुलिस अफसरान से जब भी बात हो रही थी तो वो ये बता रहे थे कि दुआ के जानने वाले जितने भी ऐसे अफराद हैं जिनके बयानात लिए गए तो उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो नॉन कोऑपरेटिव जो है वो दिखाई दे रहे थे इस वाले मामले में कि क्या किसी से दोस्ती थी या किसी के साथ पसंद की शादी का इरादा रखनी थी। जब पुलिस अफसरान इस तरह के कोई सवाल करते थे तो कोई उनको खातिर खा जवाब नहीं मिलता था, इसीलिए पुलिस अफसरान का ये कहना था कि इस वाले मामले पर जो है वो कोई मदद फराहम नहीं की जा रही है, ना तो घर की जानिब से, ना ही कोई जो दोस्त हैं अहबाब हैं उनकी जानिब से। लेकिन अब पुलिस का ये कहना है कि जी ये बिल्कुल मामला खुद से जाने का था, कोई अगवा का मामला ये